हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू इक्वेशंस आईएएस। आज हम डिस्कस करेंगे मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी क्या होती है ये डिस्कस करेंगे, और हमारी कंट्री को मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत क्यों है, या किसी भी कंट्री को मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत क्यों होती है, कौन इसे बनाता है, इसका पर्पस क्या होता है, और कौन से इंस्ट्रूमेंट्स ऐसे हैं जिनको मॉनेटरी पॉलिसी में आरबीआई यूज करता है। तो पहले तो समझ लेते हैं मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली आरबीआई हर दो महीने में लेकर आता है, ये एवरी टू मंथ। एक तो ये टाइम पीरियड आपको पता होना चाहिए, टू मंथ्स, हर दो महीने में आती है। तो अलग अलग एग्जाम्स में भी आया है कि मॉनेटरी पॉलिसी आरबीआई की कितने कितने टाइम पीरियड के बाद आती है, तो हर दो महीने के बाद आती है। इसमें आरबीआई बेसिकली इंटरेस्ट रेट, ठीक है, मार्केट में जो क्रेडिट के इंटरेस्ट रेट चल रहे हैं, लोन जो मार्केट में निकल रहा है बैंक्स के थ्रू, उसमें कुछ चेंजेस करता है। वो इनडायरेक्ट तरीके से चेंजेस करता है, तो बैंक के इंटरेस्ट रेट में भी चेंजेस हो जाती है, ठीक है। तो बेसिकली इंटरेस्ट रेट में चेंज करने के पर्पज से आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी यूज करता है। मनी सप्लाई मार्केट में बढ़नी चाहिए या कम होनी चाहिए, आरबीआई की अपनी कैलकुलेशंस होती है, उसके हिसाब से भी मॉनेटरी पॉलिसी होती है, या अवेलेबिलिटी ऑफ क्रेडिट, ये सारी चीजें इंटरलिंक्ड है एक दूसरे के साथ, ठीक है। मार्केट में लोन की अवेलेबिलिटी कितनी कितनी और कैसी कैसी होनी चाहिए किस सेक्टर में, तो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी बेसिकली इन ऑब्जेक्टिव्स के साथ काम कर रही होती है, ठीक है। हमारी कंट्री को मॉनेटरी पॉलिसी की जरूरत क्यों है, या किसी भी कंट्री को, ये सारी चीजें हम डिस्कस करेंगे। कौन बनाता है, पर्पस क्या होता है मॉनेटरी पॉलिसी का, और क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं जो आरबीआई यूज करता है मॉनेटरी पॉलिसी जब हर दो महीने में डिक्लेयर करता है, तो क्या इंस्ट्रूमेंट्स होते हैं, किन चीजों को यूज करता है, ठीक है। तो आते हैं, समझते हैं। तो मॉनेटरी पॉलिसी एक कमेटी बनाई गई है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई है, इसमें 6 मेंबर्स होते हैं, ठीक है। ये आरबीआई एक्ट है 1934 का, आरबीआई एक्ट 1934, आरबीआई एक्ट 1934 आरबीआई को इंपावर करता है मॉनेटरी पॉलिसी बनाने के लिए, और करेंसी नोट भी प्रिंट करने के लिए, या बैंकिंग सेक्टर को रेगुलेट करने के लिए। हालांकि बैंकिंग सेक्टर रेगुलेशन के लिए एक अलग एक्ट है 1949 का, ठीक है। तो आरबीआई एक्ट 1934 के हिसाब से आरबीआई जो है फंक्शन कर रहा होता है। ये एक्ट लागू हुआ था 1 अप्रैल 1935 से, ठीक है। अब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के ना 6 मेंबर्स होते हैं, 6 मेंबर, जिसमें आरबीआई का गवर्नर भी होता है, डिप्यूटी गवर्नर भी होता है, फिर और भी अलग अलग फील्ड के एक्सपर्ट्स होते हैं, गवर्नमेंट के रिप्रेजेंटेटिव भी होते हैं। तो 4 डिप्यूटी गवर्नर होते हैं, उनमें से एक ही डिप्यूटी गवर्नर फिलहाल आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में है, और गवर्नर तो होता ही है आरबीआई, ठीक है। बेसिक ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन के टारगेट्स जो है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए ना डिसाइड हुए, ठीक है, कि इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए। तो बेसिक जो इन्फ्लेशन रेट है वो 4% इन्फ्लेशन रेट अचीव करना है, 4% प्लस माइनस 2%। तो महंगाई जो है हमारी कंट्री में कितनी चल रही है, उसके हिसाब से आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी बना सकता है, कीपिंग इन माइंड द ग्रोथ ऑफ द कंट्री, कंट्री की ग्रोथ को भी ध्यान में रखते हुए। इन्फ्लेशन तो कंट्रोल करना ही है, कंट्री की ग्रोथ पे भी ध्यान देना है। तो अभी तो फिलहाल ये समझते हैं, वो आगे हम डिस्कस करने वाले हैं। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर होते हैं, और ये कॉन्स्टिट्यूटेड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कॉन्स्टिट्यूट करा है अंडर सेक्शन 45ZB, और अमेंडमेंट किया था आरबीआई एक्ट 1934 में, तब मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी बनाई गई थी। आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट, ठीक है। हमारे जो ऑब्जेक्टिव है मेन मॉनेटरी पॉलिसी के, आरबीआई के, जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी लाता है तो पहला ऑब्जेक्टिव उसका होता है इन्फ्लेशन कंट्रोल, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है, महंगाई कंट्रोल में होनी चाहिए, क्योंकि प्राइस स्टेबिलिटी जो है सस्टेनेबल ग्रोथ के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जब तक महंगाई कंट्रोल में नहीं आएगी, तब तक एक सस्टेनेबल ग्रोथ कंट्री में नहीं आ पाती, तो इसलिए जरूरी है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल रहे, क्योंकि ज्यादा अगर इन्फ्लेशन हो जाए, डबल डिजिट में चला जाए, 12%, 13%, 14%, तो उससे प्रॉब्लम क्या होती है, सोसाइटी में इनइक्वालिटीज इंक्रीज होती है, अमीर गरीब के बीच का गैप इंक्रीज हो जाता है। उसके अलावा करप्शन सोसाइटी में इंक्रीज हो सकता है, क्योंकि महंगाई होने की वजह से बहुत सारे जो लो पेड वर्कर्स हैं, या जो गवर्नमेंट में भी जॉब कर रहे होते हैं, या कम सैलरी में काम कर रहे होते हैं, तो इकोनॉमिक कंडीशंस उनकी इतनी अच्छी नहीं रहती, तो वो हो सकता है करप्ट हो जाए, ठीक है। करप्शन के और भी रीजंस होते हैं, लेकिन उनमें से एक रीजन ये भी होता है कि अगर महंगाई बहुत ज्यादा हो, ठीक है, क्योंकि कोई भी कर्मचारी है उसके उसकी सैलरी से घर नहीं चल रहा है, तो हो सकता है वो करप्ट हो, ठीक है। तो करप्शन, क्राइम भी सोसाइटी में बढ़ता है, क्योंकि कोई गरीब आदमी है कि जो भी वो कमा रहा है उससे उसका घर नहीं चल पा रहा, महंगाई बहुत ज्यादा है, तो हो सकता है वो क्राइम में भी इन्वॉल्व हो जाए, तो क्राइम बढ़ सकता है, करप्शन बढ़ सकता है, इनइक्वालिटी सोसाइटी में इंक्रीज होती है, और इनस्टेबिलिटी कंट्री में आती है, क्योंकि पब्लिक जो है सरकार से नाराज भी रहती है, तो सरकारें भी बदल सकती है।
तो सरकार का ना प्राइमरी ऑब्जेक्टिव रहता है कि इन्फ्लेशन कंट्रोल्ड रहे, इकोनॉमी स्टेबल तभी कही जाती है कोई भी इकोनॉमी की। स्टेबिलिटी की अगर हम बात करें तो इकोनॉमिक, एक होता है इकोनॉमिक ग्रोथ और एक होता है इकोनॉमिक स्टेबिलिटी। इकोनॉमिक ग्रोथ तो न्यूमेरिकल नंबर है कि जीडीपी ग्रोथ हो रहा है नंबर्स में, लेकिन इकोनॉमिक स्टेबिलिटी की जब बात होती है तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में इन्फ्लेशन कंट्रोल आता है, महंगाई लगातार, जीडीपी ग्रोथ हो रही है अच्छी बात है लेकिन साथ ही साथ महंगाई कंट्रोल होनी चाहिए, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि जीडीपी ग्रोथ हो रही हो, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही हो लेकिन महंगाई कंट्रोल में ना हो, तो इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ना इन्फ्लेशन कंट्रोल आता है। दूसरा, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी में ना जॉब अपॉर्चुनिटीज कितनी क्रिएट हो रही है वो भी आती है। तो कोई भी किसी भी कंट्री की इकोनॉमी स्टेबल तभी कही जाती है जब वहां पर एक तो इन्फ्लेशन महंगाई कंट्रोल में हो और दूसरा जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट हो रही है। ठीक है, फिलहाल तो देखिए ऑब्जेक्टिव आरबीआई का मॉनेटरी पॉलिसी का है कि अगर महंगाई बहुत ज्यादा है तो उसे ना कंट्रोल करना है, या महंगाई बहुत नीचे चली गई है तो थोड़ा सा एक ऑप्टिमम लेवल पर लेकर आना है। ठीक है, तो 4% एक ऑप्टिमम लेवल बनाया हुआ है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी ने कि इन्फ्लेशन रेट जो है 4% जो है ऑप्टिमम लेवल है, क्योंकि थोड़ा बहुत इन्फ्लेशन जो होता है वो किसको इंडिकेट कर रहा होता है, डिमांड को इंडिकेट कर रहा होता है, मार्केट में डिमांड क्रिएट हो रही है। अगर इन्फ्लेशन होगा ही नहीं तो मार्केट में डिमांड क्रिएट नहीं हो पाएगी और जीडीपी ग्रोथ भी नहीं हो पाएगी, तो इसलिए ऑप्टिमम लेवल 4% है। ठीक है, तो एक तो हमारा इन्फ्लेशन कंट्रोल पहला ऑब्जेक्टिव ये है। अगर ये ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल वाला ऑब्जेक्टिव अचीव होता है, तब आरबीआई जीडीपी या इकोनॉमिक ग्रोथ पे ध्यान देता है, लेकिन जो प्री कंडीशन है इन्फ्लेशन कंट्रोल में होना चाहिए। ठीक है, अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि इन्फ्लेशन कंट्रोल का मतलब क्या है। देखिए छोटा सा एक डिमांड सप्लाई बैलेंस समझ लेते हैं, उसको उससे आपको एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, मार्केट में एक तरफ होती है लिक्विडिटी, डिमांड सप्लाई बैलेंस की बात कर रहा हूं मैं, एक तरफ होता है लिक्विडिटी, दूसरी तरफ हमारा है सप्लाई। सप्लाई किसकी? गुड्स एंड सर्विसेज की। ये जो गुड्स एंड सर्विसेज की, मतलब ये एक तरीके से क्या है हमारा सप्लाई गुड्स एंड सर्विसेज की, अगर ये इंक्रीज होता है तो इसका मतलब है कंट्री की जीडीपी ग्रोथ इंक्रीज हो रही है। तो बेसिक ऑब्जेक्टिव सरकार का ये रहता है कि सप्लाई इंक्रीज की जाए, गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज की जाए, तो बेसिकली ये क्या इकोनॉमिक ग्रोथ है, क्योंकि इससे जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट हो रही होंगी। अगर प्रोडक्शन बढ़ेगा गुड्स एंड सर्विसेज का तो जॉब अपॉर्चुनिटीज भी क्रिएट होंगी, लेकिन प्रोडक्शन तो तभी बढ़ने वाला है जब दूसरी साइड से डिमांड आ रही हो, क्योंकि लिक्विडिटी का मतलब यहां पर क्या हो गया डिमांड, लिक्विडिटी का मतलब यहाँ पर कैश फ्लो है, मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी क्या है उसे हम बोल रहे हैं। ठीक है, मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी क्या है उसे हम यहाँ पर डिमांड बोल रहे हैं। तो डिमांड आनी चाहिए, और डिमांड मार्केट में कब आती है, जब मार्केट में पब्लिक के पास कैश हो, कैश की अवेलेबिलिटी सफिशियंट हो, तभी मार्केट में डिमांड क्रिएट होती है, तभी दूसरी साइड से, ये एक साइकिल है, तभी दूसरी साइड से गुड्स एंड सर्विसेज का प्रोडक्शन इंक्रीज होता है, जॉब अपॉर्चुनिटीज क्रिएट होती है। अब ये लिक्विडिटी कैसे इंक्रीज हो सकती है, या इन्फ्लेशन कब आता है, इन्फ्लेशन तब आता है जब ये इन्फ्लेशन, जब ये वाली साइड सप्लाई साइड लो हो, सप्लाई कम हो और मार्केट में डिमांड ज्यादा हो। जैसे अगर हम बोले कि प्याज 80 रुपए किलो क्यों जाएगा, क्योंकि मार्केट में प्याज जो है वो कम होगा, सप्लाई कम होगी और खरीदने वाले ज्यादा होंगे, इन्फ्लेशन आता है। इन्फ्लेशन कब होता है, जब डिमांड ज्यादा हो, मतलब मार्केट में लिक्विडिटी एक्सेस में हो और सप्लाई कम हो रही हो, सरकार का ऑब्जेक्टिव है सप्लाई बढ़ाना, बैलेंस बन जाए दोनों में ताकि, ठीक है, या ये बैलेंस तब भी हो सकता है जब लिक्विडिटी को गिराया जाए। तो इन्फ्लेशन के कंट्रोल में आरबीआई कोशिश ये करता है, जब इन्फ्लेशन ज्यादा हो लिक्विडिटी को गिराने की कोशिश करता है, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कोशिश करती है कि सप्लाई इंक्रीज हो जाए किसी तरीके से, अपनी डिफरेंट डिफरेंट फिस्कल पॉलिसी या अलग अलग पॉलिसी लेकर आए उससे। अब देखिए प्रॉब्लम क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल में क्योंकि लिक्विडिटी को गिराना है, इन्फ्लेशन मतलब लिक्विडिटी ज्यादा होगी, डिमांड ज्यादा है मार्केट, सप्लाई कम है। अब आरबीआई की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि लिक्विडिटी को गिराया अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है, लिक्विडिटी गिराने के लिए ना मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स जो हैं वो इंक्रीज करने पड़ते हैं। जो आरबीआई हर 2 महीने में मॉनेटरी पॉलिसी लेकर आता है ना, उसके रेट्स इंक्रीज करने पड़ते हैं। और जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के रेट इंक्रीज करता है, सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूँ आपको, मॉनेटरी पॉलिसी के रेट जब इंक्रीज करता है तो बैंक को भी कॉरेस्पॉन्डिंग अपने लोन्स के रेट इंक्रीज करने पड़ते हैं आरबीआई, क्योंकि आरबीआई अगर रेट इंक्रीज करेगा तो बैंक, क्योंकि आरबीआई से भी लोन लेता है, शॉर्ट टर्म लोन लॉन्ग टर्म लोन, तो मार्केट में फिर बैंक रिलीज कर रहा होता है। ठीक है, तो बैंक को भी आरबीआई से थोड़ा महंगा लोन मिलता है, तो बैंक भी आगे पब्लिक को थोड़ा महंगा लोन देगा। अब लॉ ऑफ डिमांड के हिसाब से समझना है, जो चीज महंगी होगी मार्केट में उसकी सेल थोड़ा सा कम हो जाती है,
तो लोन में इंटरेस्ट रेट अगर बढ़ता है तो लोगों की ईएमआई भी बढ़ती है, तो जहां 10 लोग पहले लोन लेते थे वो 8 ही लोग लोन लेंगे, ठीक है। मतलब लोन की डिमांड थोड़ा रिड्यूस हो जाएगी, उससे लिक्विडिटी गिर जाती है। तो मॉनेटरी पॉलिसी के रेट जब भी बढ़ते हैं, मॉनेटरी पॉलिसी के, उससे क्या होगा, लोन भी महंगा होगा, और लोन महंगा होगा तो लोन की डिमांड रिड्यूस होगी और मार्केट में लिक्विडिटी गिरेगी और इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाएगा। ये आपको एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए, बेसिक अंडरस्टैंडिंग। आप किसी एग्जाम की तैयारी कर रहे हो या फिर कुछ और कर रहे हो, आपको इकोनॉमी में थोड़ा इंटरेस्ट होगा, मार्केट शेयर मार्केट की वजह से हो सकता है, किसी और वजह से हो सकता है, लेकिन एक बेसिक आइडिया आपको होना चाहिए। अब इसमें प्रॉब्लम क्या होती है कि जब आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के रेट इंक्रीज करता है वो तो चलो अच्छी बात है, इन्फ्लेशन कंट्रोल हो जाए, लोन महंगा हो गया, लेकिन जो इंडस्ट्री है ना वो इसे पसंद नहीं करती। इंडस्ट्री मतलब कंपनीज या शेयर मार्केट अगर हम बात करें, वो इसे पसंद नहीं करेगा। क्यों? क्योंकि लोन महंगा होने की वजह से ना कॉर्पोरेट सेक्टर को भी महंगा लोन मिलेगा बैंक से। कॉर्पोरेट सेक्टर को अगर महंगा लोन मिलेगा तो फेवरेबल एनवायरनमेंट नहीं है बिजनेस के लिए, क्योंकि वो तो अपने बिजनेस का एक्सपेंशन करना चाह रहे हैं, बैंक से लोन लेना चाह रहे हैं, और बैंक ने इंटरेस्ट रेट बढ़ा दिए, तो इंटरेस्ट रेट बढ़ाने की वजह से उनकी ईएमआई वगैरह उनके ऊपर एक्स्ट्रा फाइनेंशियल बर्डन आ जाएगा। तो इस वजह से ना उनकी ग्रोथ के लिए ना ये अगेंस्ट होता है। इसलिए जब भी आरबीआई इन्फ्लेशन कंट्रोल करने की कोशिश करेगा रेट्स को बढ़ाकर, तो उसका असर जो है नेगेटिव असर ना सप्लाई साइड में पड़ सकता है, जीडीपी ग्रोथ में पड़ सकता है। तो ये एक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए। इसलिए ना आरबीआई क्या करता है, इन्फ्लेशन कंट्रोल इस तरीके से करने की कोशिश करता है कि जीडीपी इकोनॉमिक ग्रोथ के ऊपर असर ना पड़े, या क्योंकि जीडीपी ग्रोथ के लिए पॉजिटिव फेवरेबल कंडीशन क्या होती है, जीडीपी ग्रोथ के लिए फेवरेबल कंडीशन है रेट्स जो होने चाहिए वो रिड्यूस होने चाहिए, इंडस्ट्री के लिए इंटरेस्ट रेट कम होने चाहिए पॉलिसी रेट्स, और इन्फ्लेशन कंट्रोल के लिए रेट्स क्या होने चाहिए, अगर इन्फ्लेशन ज्यादा है तो, अगर कम है तब नहीं, इन्फ्लेशन रेट अगर ज्यादा है तो रेट्स पॉलिसी रेट जो आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी रेट्स की बात कर रहा हूँ वो इंक्रीज होने चाहिए, ठीक है। तो आरबीआई का ऑब्जेक्टिव क्या है, इन्फ्लेशन कंट्रोल पहला ऑब्जेक्टिव तो है ही, प्राइमरी ऑब्जेक्टिव यही है इन्फ्लेशन कंट्रोल, लेकिन साथ ही साथ बैक ऑफ द माइंड आरबीआई की इकोनॉमिक ग्रोथ भी होती है कि इतने ज्यादा इन्फ्लेशन रेट्स पॉलिसी रेट्स नहीं इंक्रीज करने कि वो सीधे हैम्पर करने लगे जीडीपी ग्रोथ को, ठीक है। इसीलिए क्या होता है कि कई बार आरबीआई मॉनेटरी पॉलिसी के रेट्स बढ़ाता है तो इंडस्ट्री को पसंद नहीं आता, शेयर मार्केट में नेगेटिव इंपैक्ट भी पड़ता है, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव होता है आरबीआई के मॉनेटरी पॉलिसी का, इन्फ्लेशन कंट्रोल और बैक ऑफ द माइंड रहता है जीडीपी ग्रोथ, ठीक है। तो ये ऑब्जेक्टिव रहता है आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी का, बहुत सिंपल लैंग्वेज में मैंने समझाया, आपको समझ आना चाहिए। आते हैं अब देखिए आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी जो है, क्योंकि इन्फ्लेशन कंट्रोल को लेकर है, लेकिन इन्फ्लेशन कितना होना चाहिए, अब देखिए इन्फ्लेशन जो है रेट 4% मेंटेन करना है टारगेट, ये टारगेट सेट किया गया है मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए, और ये 5 साल के लिए है, टाइम पीरियड इंपॉर्टेंट है, 5 साल के लिए ना 4% इन्फ्लेशन रेट टारगेट किया हुआ है, प्लस माइनस 2% का मतलब यहां पर है आरबीआई को वैसे तो ऑप्टिमम लेवल इन्फ्लेशन रेट को 4% मेंटेन करने की कोशिश करनी है, अगर इन्फ्लेशन बढ़ गया तो रिड्यूस करके 4% लाना है, और अगर डिक्रीज हो गया तो इंक्रीज करके 4% लाना है। प्लस माइनस 2% का मतलब है 4% में 2% जोड़े तो अपर लेवल इन्फ्लेशन का जो टॉलरेंस लेवल है वो 6% है, और माइनस 2 करें जो टॉलरेंस लेवल है वो 2% है, मतलब आरबीआई को 2% से 6% के बीच में रखना है, कोशिश ये करनी है कि 4% रखना है, लेकिन 6% के ऊपर नहीं जाना चाहिए, 2% से नीचे नहीं आना चाहिए, 6% के ऊपर चला गया तो पॉलिसी रेट्स को इंक्रीज करना है, ताकि मार्केट में ना क्योंकि इन्फ्लेशन बढ़ गया लिक्विडिटी डिक्रीज करनी है तो रेट बढ़ाने पड़ेंगे, लोन महंगा करना पड़ेगा, पब्लिक कम लोन लेगी, सस्ता लोन होगा तो भीड़ लग जाएगी ना बैंक में, लोन ज्यादा निकलेगा मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी बढ़ जाएगी, ठीक है। तो ये आपको ये कॉन्सेप्ट समझना है, डायरेक्टली रिलेटेड होता है कि मार्केट में कितनी कैश की अवेलेबिलिटी है, ठीक है। तो ये जो है 4% का टारगेट है, अलग अलग एग्जाम में भी क्वेश्चन आया है कि टारगेट क्या है, और ये 4% इन्फ्लेशन ना कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स होता है एक सीपीआई, उसमें होना चाहिए। अब देखिए ये समझना है कि एक डब्ल्यूपीआई होता है एक सीपीआई होता है, डब्ल्यूपीआई सीपीआई में आपको सप्लाई चेन समझनी है, सप्लाई चेन का मतलब है एक आपने देखा होगा कि आपके एरिया में ना एक बड़ी मंडी होती है, जैसे अगर हम देहरादून में बोले निरंजनपुर मंडी है, या दिल्ली में सीलमपुर, अलग अलग जगह मंडियां हैं बड़ी बड़ी, जहां पर मंडियों में ही किसान अपना सारा माल रखते हैं, तो उसे तो बोलते हैं होलसेल मार्केट, होलसेल मार्केट। अब उन्हीं होलसेल मार्केट से रिटेलर जो छोटे छोटे दुकानदार हैं, छोटे छोटे सब्जी वाले हैं जो मोहल्ले में बेचते हैं,
वो होलसेल मार्केट से खरीद के लाते हैं और बेचते हैं, ठीक है। अब होलसेल मार्केट में हर एक चीज के रेट, चाहे आलू टमाटर प्याज गेहूं चावल हर चीज के रेट, उनका एक इंडेक्स बना दें, लिस्ट बना दें, तो वो होता है WPI, होलसेल प्राइस इंडेक्स। लगभग 676 के करीब आर्टिकल्स होंगे, उसमें हर चीज रहती है, दूध दही पनीर हर चीज, ठीक है। WPI होलसेल प्राइस इंडेक्स, और एक रिटेलर मतलब मोहल्ले की दुकान है जहां से हम लोग खरीद रहे हैं। कभी कभी होता है कि हम होलसेल मार्केट से जाके खरीद लेते हैं, जो रिटेलर रिटेल शॉप से हम खरीद रहे होते हैं उसे बोलते हैं कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, कंज्यूमर तो हम लोग हैं, हम तो रिटेल शॉप से खरीद रहे हैं ना, हम होलसेल मार्केट में तो कभी कभी ही जाते हैं, होलसेल मार्केट से तो रिटेलर खरीद के ला रहा है दुकानदार, ठीक है। तो ये जो इन्फ्लेशन है 4% टारगेटिंग है CPI की, क्योंकि ये CPI ही है। अच्छा, होलसेल मार्केट के प्राइसेस थोड़े से कम होंगे, कंज्यूमर प्राइस के मार्केट थोड़े से ज्यादा होंगे, क्योंकि मार्जिन होगा रिटेलर का अपना, जो रिटेलर यहां से सामान 10 रुपए का खरीदता है यहां पर 15 या 20 रुपए में बेचेगा, 5 रुपए का मार्जिन होगा, तो होलसेल प्राइस इंडेक्स थोड़ा सा कम होगा, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स थोड़ा ज्यादा होगा। तो RBI का ऑब्जेक्टिव है कि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स में इन्फ्लेशन जो है 4% मेंटेन करना है, ठीक है। तो एक तो ये जो है जो आपको पता होना चाहिए RBI की मॉनेटरी पॉलिसी से रिलेटेड। अब RBI के तरीके क्या है, कौन से मेथड्स यूज कर रहा है, कौन से इंस्ट्रूमेंट्स यूज कर रहा है RBI मॉनेटरी पॉलिसी में, ताकि लिक्विडिटी को, अगर इन्फ्लेशन कंट्रोल करना है तो पॉलिसी रेट्स को डिक्रीज करना है, अगर इन्फ्लेशन जो है कम है उसे इंक्रीज करना है तो पॉलिसी रेट्स को ना सिंपल बना देना है, बैंक के ऊपर ज्यादा रिस्ट्रिक्शंस नहीं, बैंक को फ्रीडम दो, बैंक ज्यादा लोन निकालेगा तो मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, लेकिन उससे एक अवसर ये हो सकता है कि इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। अच्छा, एक होता है कैश रिजर्व रेशियो, ये अराउंड अभी 4%। कैश रिजर्व रेशियो वो वाला रिजर्व है जो बैंक को RBI में रिजर्व रखना पड़ता है, ठीक है। तो ये उतना, जैसे बैंक में अगर हम 100 रुपीज डिपॉजिट कर रहे हैं तो 4 रुपीज RBI के पास रिजर्व रखना होगा, 96 रुपीज RBI इसे यूज कर सकता है मार्केट में लोन में निकालने में, तो ये बैंक जो है 96 रुपीज मार्केट में लोन में निकालने में यूज कर सकता है। तो जो भी पैसा RBI बैंक में डिपॉजिट होता है उसका 4% बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होता है, बैंक को अपने पास रिजर्व रखना होता है, तो ये कैश रिजर्व रेशियो है। क्योंकि अगर डेफिनेशन में जाओगे तो बहुत कॉम्प्लेक्स है, थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम्स आएंगी, मैं बहुत सिंपल लैंग्वेज में आपको समझा रहा हूँ। ये वो वाला कैश रिजर्व है जो बैंक को RBI में रिजर्व रखना होता है, रिजर्व, ठीक है। और अगर RBI CRR को बढ़ाता है तो आपको ये समझना है कि बढ़ाने पर मार्केट में क्या होगा, बैंक के पास कैश कम हो जाएगा, क्योंकि बैंक को RBI को ज्यादा पैसा देना होगा, बैंक के पास क्रेडिट के लिए पैसे की अवेलेबिलिटी कम हो जाएगी, डिक्रीज हो जाएगी, तो मार्केट में ना क्रेडिट का फ्लो, लोन का फ्लो भी डिक्रीज हो जाएगा, क्योंकि बैंक के पास पैसा तो कम हो गया, RBI ने छीन लिया, RBI ने बोला ना हमें, तो बैंक के पास कम हो गया, लोन कम निकलेगा, तो लिक्विडिटी गिर जाएगी। तो इन्फ्लेशन के टाइम पे CRR को भी RBI बढ़ा सकता है, लेकिन CRR को ना बहुत एक्सट्रीम उसमें नॉर्मली बहुत फ्रीक्वेंटली नहीं यूज करता RBI। बैंक रेट की अगर हम बात करें, बैंक रेट एक वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिस रेट ऑफ इंटरेस्ट में बैंक RBI से लोन लेता है। तो बैंक रेट एक तरीके का रेट ऑफ इंटरेस्ट है, रेट ऑफ इंटरेस्ट, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन टेकन बाय बैंक्स फ्रॉम RBI, ऑन लोन टेकन बाय बैंक्स, और सिंपल लैंग्वेज में समझा रहा हूं, बैंक्स बाय RBI, डेफिनेशन इतनी सिंपल नहीं है लेकिन मैं सिंपल लैंग्वेज में बता रहा हूं, फ्रॉम RBI, ठीक है। तो ये वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है जिसमें बैंक RBI से लोन लेता है, जब बैंक के पास डेफिसिट ऑफ कैश है, बैंक के पास कैश की अवेलेबिलिटी थोड़ी सी कम है और लोन की डिमांड है मार्केट में, क्योंकि इंडिया डेवलपिंग इकोनॉमी है तो लोन की डिमांड नॉर्मली ज्यादातर रहती है, ठीक है। और ये लॉन्ग टर्म लोन की बात होगी, लॉन्ग टर्म। अब रेपो रेट की डेफिनेशन भी यही है, रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन लोन्स टेकन बाय बैंक्स, ठीक है, टेकन बाय बैंक्स फ्रॉम RBI, लेकिन ये शॉर्ट टर्म लोन होता है, शॉर्ट टर्म लोन, शॉर्ट टर्म का मतलब हो गया अप टू 14 डेज, अप टू 14 डेज। हम बेसिक कॉन्सेप्ट डिस्कस कर रहे हैं, अगर इन रेट्स में चेंजेस होते हैं आपको ये समझना है, ओवरऑल इन पॉलिसी रेट्स में अगर चेंजेस होते हैं, ये तो रिजर्व रेशो है, रिजर्व रेशो पॉलिसी रेट्स इन्हें बोलते हैं, ठीक है। इनमें अगर कुछ भी चेंजेस होते हैं मतलब ये डिक्रीज होंगे तो बैंक से लोन लेना भी सस्ता हो जाएगा, मार्केट में कैश ज्यादा निकलेगा, लिक्विडिटी बढ़ जाएगी। लेकिन जब महंगाई ज्यादा होती है तो RBI क्या कर सकता है, इन रेट्स को डिक्रीज कर सकता है, इन रेट्स को इंक्रीज कर सकता है ताकि लोन महंगा हो जाए, और फिर लोन महंगा होगा तो लिक्विडिटी अपने आप, क्योंकि इन्फ्लेशन क्यों है, लिक्विडिटी ज्यादा होने की वजह से,
थोड़ा सा एक ब्रेनस्टॉर्मिंग करनी है, आपको अंडरस्टैंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो रेपो रेट बैंक रेट सिमिलर टाइप के होते हैं, बस बैंक रेट में लॉन्ग टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब बैंक आरबीआई से लोन लेता है। ठीक है, रेपो रेट शॉर्ट टर्म लोन का रेट ऑफ इंटरेस्ट होता है जब बैंक आरबीआई से 14 डेज से कम का लोन लेता है, 14 डेज या उससे कम का लोन। अब जरूरी नहीं कि बैंक हर बार डेफिसिट में हो, कैश की कमी हो बैंक के पास, कई बार बैंक ना सरप्लस में भी रहता है, तो कई बार बैंक आरबीआई में पैसा डिपॉजिट भी करता है जब वो सरप्लस में रहता है। जब बैंक आरबीआई में पैसा डिपॉजिट करता है तो आरबीआई जो है बैंक को ना इंटरेस्ट भी पे करता है। जिस तरीके से बैंक हमारे लिए फंक्शन कर रहे होते हैं वैसे आरबीआई बैंकिंग के लिए वो सारी सर्विसेज दे रहा होता है जो हम हमारे लिए बैंक दे रहे होते हैं। ठीक है, तो रिवर्स रेपो रेट वो वाला रेट ऑफ इंटरेस्ट है जो आरबीआई अपने बैंक्स को देता है उनके डिपॉजिट्स के ऊपर जब बैंक्स ने अपना फंड पार्क किया है आरबीआई के पास। ठीक है, ये रिवर्स रेपो रेट। अब आगे आते हैं, ये सारे इंस्ट्रूमेंट्स हैं जो आरबीआई अपनी मॉनेटरी पॉलिसी में इशू करता है। अब आते हैं स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो। ये रेशियो है, रेट पॉलिसी रेट्स में नहीं आता लेकिन ये आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आता है। ठीक है, स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो वो वाला रेशियो होता है जिसमें बैंक्स के लिए कंपलसरी होता है कि अपना कुछ परसेंटेज जो है वो पैसा जो है गवर्नमेंट सिक्योरिटीज गोल्ड या कैश की फॉर्म में रखे। गवर्नमेंट सिक्योरिटीज ठीक है, गोल्ड या कैश की फॉर्म में अपने पास रखे कुछ परसेंटेज, और ये इस समय 18% है। मतलब इसमें क्या होगा कि बैंक्स के लिए कंपलसरी है कि गवर्नमेंट सिक्योरिटीज में ना जैसे ट्रेजरी बिल, कई बार ना गवर्नमेंट को ना लोन की जरूरत पड़ती है तो गवर्नमेंट कहाँ से पैसा उठाएगा, तो होता क्या है कि बैंक्स के लिए कंपलसरी है कि जितना उनके पास कैश है उसका 18% स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो रखें, 18% या तो गवर्नमेंट सिक्योरिटीज खरीदे उससे गवर्नमेंट के पास फंड चला जाएगा, गवर्नमेंट उसमें कुछ मिनिमम एक इंटरेस्ट देगी, या गोल्ड की फॉर्म में रखें या कैश की फॉर्म में रखें। और ये जो स्टैचुटरी लिक्विडिटी रेशियो है ये अगर बढ़ा दिया जाए तो उससे क्या होगा कि बैंक को ना ज्यादा पैसा रिजर्व रखना हो, तो फिर से मार्केट में ना लिक्विडिटी डिक्रीज हो जाएगी क्योंकि बैंक को अपने पास ज्यादा पैसा रिजर्व, अगर इसे मैं बोलूं 18% से 24% कर दिया जाए तो बैंक को ज्यादा पैसा रिजर्व रखना पड़ेगा गवर्नमेंट सिक्योरिटीज की फॉर्म में, गोल्ड या कैश की फॉर्म में, तो बैंक के पास अपने आप ही कैश कम हो गया और मार्केट में फिर क्या होगा, लोन कम निकलेगा, लिक्विडिटी गिर जाएगी। इन्फ्लेशन के टाइम में ऐसा किया जा सकता है कि इसे बढ़ा दे। मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी क्या होता है? मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी एक ओवरनाइट रेट ऑफ इंटरेस्ट है। कई बार क्या होते हैं कि बैंक क्राइसिस में होते हैं, उन्हें तुरंत कैश चाहिए होता है रातों-रात। वैसे बैंक क्या करते हैं, आपस में भी एक दूसरे से लोन ले रहे होते हैं, SBI, PNB ये सारे बैंक। SBI को तो लोन की इतनी जरूरत नहीं पड़ेगी क्योंकि सबसे ज्यादा लिक्विड पोजीशन में SBI रहता है इंडिया में, तो बैंक आपस में लोन ले रहे होते हैं। तो कई बार क्या है, अनफेयर प्रैक्टिसेस हो रही होती है, एक बैंक जो सरप्लस कैश में है और एक बैंक डेफिसिट कैश में है वो एक्सप्लॉइट करने की कोशिश करेगा रेट ऑफ इंटरेस्ट बढ़ाकर, उसके लिए आपस में जब एक दूसरे को इंटर बैंक कॉल मनी मार्केट में डील कर रहे होते हैं। तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी बेसिकली क्या हो गया, आरबीआई ऐसी अनफेयर प्रैक्टिसेस अनहेल्दी प्रैक्टिसेस ना हो मार्केट में, ऐसे केस में बैंक को ओवरनाइट लोन वगैरह प्रोवाइड करता है ओवरनाइट, ताकि अनफेयर प्रैक्टिसेस या अनहेल्दी प्रैक्टिसेस मार्केट में बैंक्स के बीच में आपस में ना हो। ठीक है, तो मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी इन केस कोई इमरजेंसी है, बैंक को लोन की रिक्वायरमेंट है और बैंक आपस में अनहेल्दी प्रैक्टिसेस ना करें, तो ये एक्स्ट्रा फैसिलिटी है जो बैंक आरबीआई से लोन ले सकते हैं रेपो रेट बैंक रेट के अलावा। ठीक है, तो उसके अलावा आते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। देखिए इंस्ट्रूमेंट्स बहुत सारे हैं, हम कुछ इंस्ट्रूमेंट्स ही डिस्कस कर रहे हैं, बहुत सारी चीजें होती हैं आरबीआई की मॉनेटरी पॉलिसी में आती हैं, मोटा मोटा डिस्कस कर रहे हैं कौन से इंस्ट्रूमेंट इनका क्या असर होने वाला है। ओपन मार्केट ऑपरेशंस आरबीआई के वो वाले ऑपरेशंस होते हैं क्योंकि देखिए गवर्नमेंट आरबीआई क्या है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एजेंट और फाइनेंशियल एडवाइजर है। ठीक है, तो गवर्नमेंट के बिहाफ में गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स को खरीदता भी है और बेचता भी है। तो ओपन मार्केट ऑपरेशंस का मतलब है सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, सेल एंड परचेज ऑफ गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज बाय आरबीआई। तो आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को इंटरनल जो भी मार्केट में खरीद रहा बेच रहा है ओपन मार्केट में, उसे हम बोलते हैं ओपन मार्केट ऑपरेशन। अच्छा, इससे होता क्या है, इससे क्या लिक्विडिटी कम ज्यादा होती है मार्केट में? लिक्विडिटी मैं बार बार बोल रहा हूँ, इसका मतलब कैश की अवेलेबिलिटी, और कैश की अवेलेबिलिटी के लिए ना बैंकिंग सेक्टर बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबल होता है। ठीक है, बैंक से ज्यादा लोन निकलता है तो कैश की अवेलेबिलिटी बढ़ जाती है, बैंक से कम लोन निकलता है कैश की अवेलेबिलिटी डिक्रीज हो जाती है। बैंक से ज्यादा लोन तब निकलेगा जब लोन सस्ता होगा, बैंक से कम लोन तब निकलेगा जब लोन महंगा होगा, और आरबीआई क्या करता है, रेट्स को बढ़ाकर घटाकर लोन को सस्ता और महंगा कर सकता है। ठीक है,
मॉनेटरी पॉलिसी में यही तो करता है आरबीआई, ठीक है। लेकिन साथ ही साथ आरबीआई जब गवर्नमेंट कंपनीज के शेयर्स को मार्केट में खरीदता है तो आरबीआई क्या करेगा, पब्लिक से एक तरीके से या किसी से कंपनी से गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीद रहा है, तो आरबीआई ना पेमेंट दे रहा है मार्केट, आरबीआई के पास कैश कम हो रहा है, मार्केट में कैश ज्यादा है, ज्यादा हो रहा है, उससे लिक्विडिटी बढ़ जाती है, ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू लिक्विडिटी बढ़ाई जा सकती है, आरबीआई गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को खरीदे जब। लेकिन एट द सेम टाइम वाइस वर्सा समझें, आरबीआई जब गवर्नमेंट सिक्योरिटीज को बेचे उससे क्या होगा, गवर्नमेंट सिक्योरिटीज उसने मार्केट में दी, अब बदले में कैश रिसीव करा, तो मार्केट का जो कैश था वो आरबीआई के पास चला गया और मार्केट में कैश की अवेलेबिलिटी थोड़ा सा कम हुई, लिक्विडिटी थोड़ा डिक्रीज हो जाएगी। तो ओपन मार्केट ऑपरेशन के थ्रू आरबीआई मार्केट में लिक्विडिटी डालता भी है और मार्केट से लिक्विडिटी खींचता भी है, ठीक है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए, तो इन्फ्लेशन अगर नीचे है तो बढ़ाने के लिए, इन्फ्लेशन ऊपर है तो घटाने के लिए। तो स्टूडेंट्स हमने ये बेसिक वगैरह डिस्कस करा, उम्मीद है कि आप लोगों को जरूर समझ में आया होगा। वीडियो को लाइक जरूर करें हमारे, और जो भी हमारे चैनल में न्यू है उसे सब्सक्राइब जरूर करें। तो आज के लिए इतना ही करते हैं स्टूडेंट्स, थैंक यू।